हजरत बिल्कुल नया नोहा बतौर खास समाज फरमाए। आप हजरत ने अभी जनाब सकीना इमाम सज्जाद के हवाले से बयान सुने, अब मैं नोहा पेश कर रहा हूँ। लुटे हुए काफिले का मंजर, जब वो लुटा हुआ काफिला आखिरी बार मौला अब्बास की लहर पे जाता है, तो क्या बैन होते हैं बतौर खास हजरत समाज फरमाए। लुट के जब कर लुट के जब अहले हरम आए सरे करीबो बना काफिला प्यासों का अब्बास की तुर्बत पे रुका कब्रे अब्बास पे सर रख के ये ज़ैनब ने कहा हाय परदे जाता भैया। मतलब बतौर खास हजरत समाज फरमाए, एक बहन अपने भाई की लहर पे क्या बयान कर रही है। वो भाई जो कभी 9 लाख के लश्कर को नजरों से रोक देता था, और आज है वो मंजर कि उस बहन के सर पे निदा नहीं है। बतौर खास समाज फरमाए हजरत, अपने हाथों का ये जास दिखा दो भैया, अपने हाथों का ये जास दिखा दो भैया, आखिरी बार अमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये जास दिखा दो भैया, आखिरी बार अमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये जा। बतौर खास महात्मा हजरत जनाब ज़ैनब अपने भाई मौला अब्बास की लहर पे क्या बयान कर रही है। मेरी आवाज से आवाज मिला दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये जाल दिखा दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा अपने हाथों का ये जास दिखा दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये जास दिखा दो भैया।
वतन जाऊंगी, सोचती हूँ कि मैं नाना के वतन जाऊंगी, क्या तुम्हें छोड़ के तनखा मैं पहुँच जाऊंगी, क्या तुम्हें छोड़ के तनखा मैं पहुँच जाऊंगी, बस मुझे आज ये एहसास दिला दो भैया, बस मुझे आज ये एहसास दिला दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों हाय अफसोस की ज़ैनब जो रिहा हो के चली, हाय अफसोस की ज़ैनब जो रिहा हो के चली, सकीना ना मिली, चादरें मिल गई अब्बास, सकीना ना मिली, तुम ही अब उठ के सकीना को बुला दो भैया, तुम ही अब बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये जाज दिखा दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया, मैं वतन जाती हूँ, मैं वतन जाती हूँ, लड़ी खड़ाते चलती थी सकीना दुखिया, बतौर खास दूसरा मिसरा समाज में हजरत लड़खड़ाते हुए चलती थी सकीना दुखिया, वो संभलती थी तो सजा तो सज्जाद गिरा जाता था, रोके कहती थी मैं आबिद को उठा दो भैया, रोके कह दो भैया।
दाता है, कभी अकबर का तड़पना मुझे याद आता है। इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला नौ मत करेगी। अंजुमन अज़ाए अहले बैत के सदर सेक्रेटरी ऊपर नवा खान जनाब हैदर अली शिराजी साहब से गुजारिश है कि इख्तिसार से काम सुन के भैया तेरी ज़ैनब वही मर जाती थी। हज़रत ये आखिरी बंद समाज फरमाए। मौला गाजी अब्बास ने कभी भी जनाब ज़ैनब को बहन कह के नहीं पुकारा, हमेशा ही जनाब ज़ैनब को शहजादी कहा। भाई की लहत पे एक बहन के आखिरी क्या इल्तिजा है बतौर खास समाज फरमाए कि और भर तूने कभी सर ना उठाया गाजी, उठाया गाजी जाते जाते भी मुझे कहते रहे शहजादी, जाते जाते भी मुझे कहते रहे शहजादी, मुझको एक बार बहन कह के बुला दो भैया, मुझको एक बार बहन कह के बुला दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया। जाती हूँ।
देखिए वक्त का ख्याल रखिए। शबाब अश्क बहाती रही गम की मारी, शबाब अश्क बहाती रही गम की मारी, कह के है दे ये तड़पती रही वो दुखी यारी, कह के है दे ये तड़पती रही वो दुखी यारी, क्यों हो खामोश मेरे शेर सदा दो भैया, क्यों हो खामोश मेरे शेर सदा दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया, अपने हाथों का ये मेरी आवाज से आवाज मिला दो भैया, आखिरी बार हमारी पे बिठा दो भैया। अंजुमन अज़ाए बैत मसरूफ़ इबादत है, इसके बाद अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड मुफ्ती मोहल्ला नौ मातम के लिए आमादा रहे। अंजुमन अज़ाए बैत से गुजारिश है कि अपने नौ मातम को ख़त्म करें, आप दूसरी अंजुमन के बारे में भी सोचिए, उसको वक्त नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। अंजुमन अज़ाए बैत से गुजारिश है कि अपने मातम को ख़त्म कर दें। देखिए अभी एक अंजुमन और बची है, खुदा का वास्ता है। जनाब मीसम साहब से गुजारिश है कि अंजुमन सज्जादिया के अरकान से गुजारिश है कि अंजुमन अज़ाए बैत के लिए रास्ता छोड़ दें। अंजुमन अज़ाए बैत से दस्तबस्ता गुजारिश है कि खत्म कर दें मातम। अंजुमन सज्जादिया से गुजारिश है कि रुक जाए। अंजुमन सज्जादिया से गुजारिश है कि रुक जाए। अंजुमन सज्जादिया से गुजारिश है कि रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। अंजुमन अज़ाए बैत के लिए जगह दे दें।